कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच लोगों को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तो सबके बीच प्रशासन ने लॉकडाउन का निर्णय भी ले लिया है, लेकिन इन सबके बीच कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों के सामने कुछ अजीब संकट भी सामने आ रहे हैं। शादियों का सीजन नजदीक है। जिले के बैंड व्यवसायों ने लोगों से मांगलिक कार्यों में बैंड बजाने के लिए अग्रिम राशि ले ली है, लेकिन अब इन बैंड व्यवसायों के सामने अधिक संकट है। उनका संकट ये है कि अगर उन्हें बैंड बजाने की अनुमति नहीं दी गई तो अग्रिम राशि को वापस करना पड़ेगा। अब ऐसे में बैंड व्यवसायों के सामने संकट ये है कि वे अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। इन सब सुविधाओं को लेकर आज जिले के व्यवसायीगण एकत्रित होकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बैंड व्यवसायों ने मांग की है कि शादियों में कोई गाइडलाइन के तहत सीमित संख्या में बैंड बजाने की अनुमति दी जाए। हम बैंड एसोसिएशन नीमच जिला यहाँ पर ये मांग के लिए आए, हमें बैंड बजाने की अनुमति दी जाए। और हम पिछले कोरोना काल में भी प्रभावित हो गए थे और सबसे ज़्यादा हमारे भूखमरी की जो झेलना पड़ी वो बैंड व्यवसाय लोगों को आएगा। और अभी इसी यही साल वही वक्त हमारा अभी आ गया है, हम शासन से ये अनुमति करते हैं कि हमें बैंड बजाने की अनुमति दी जाए। और जो प्रशासन ने हमारी तरफ ध्यान देने की जो नहीं करी गलती, हमारे भूखमरी की ज़िंदगी बसर करने की हमारे को नौबत आ गई, हम शासन से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे और भी ध्यान दिया जाए और हमें बैंड बजाने की अनुमति दी जाए। अभी पूरा मांग ये है कि कलेक्टर साहब के द्वारा गाइडलाइन शादी ब्याह में 200 व्यक्ति का परमिशन का अलाव है। अब उसके अंदर 200 के अंदर ये खुलासा नहीं कर रहा है शासन प्रशासन की ओर से कि बैंड वाले उसी में शरीक हैं या ना हैं। अब हम लोग बड़े बैंड वाले, छोटे बैंड वाले, मजदूर लोग, पूरे तमाम मतलब शासन प्रशासन के उस समाचार पर और उस गाइडलाइन पर निगाहें गड़ाए रखते हैं, क्योंकि हमें पालन भी बहुत ज़रूरी करना है। उस पालन को देखते हुए हमने कलेक्टर साहब को केवल आज हम पूरे बैंड एसोसिएशन के लोग मेन लोग आए, ज़्यादा तादाद में भी नहीं है, क्योंकि कलेक्टर साहब से इसीलिए मिलना है कि साहब हमारा भी खुलासा किया जाए कि बैंड वालों का उसी के अंदर रहेगा या 50 या 10 या 15 जो भी उनकी गाइडलाइन के अनुसार हमको इजाज़त दी जाए, ताकि हमारा जो ग्राहक होते हैं वो हमसे झेपते हैं, डर रहे हैं। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।